फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ऑप्शन ए है एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर गवर्नर्स इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मतलब कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस होते थे और कुछ यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स होते थे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वहाँ पे गवर्नर्स इन द प्रोविंसेस में बी स्टेटमेंट है इंक्लूडिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब कार्यकारी जो गवर्नर जो होता था उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्लूड किए जाएंगे पावर टू डिस्कस लजिसलेटिव मैटर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लजिसलेटिव मैटर डिस्कशन अलाउ किया जाएगा और इलेक्शन होगा टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे तो इसका जो राइट right आंसर है दैट इज दिस बी बी राइट आंसर है यहाँ पहली दफ़ा इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया था तो इस टाइम पे थे लॉर्ड कैनिंग इन्होंने तीन इंडियंस को लेजिस्टिव काउंसिल में इंक्लूड किया था राजा ऑफ बनारस महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव 1900। दिस इज 18 1862 में सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज एटीन अब ये नंबर टू है मैच द फॉलोविंग का इंडियन एक्ट है 1858 का और ये लिस्ट टू है 1858 का एक्ट इंडिया एक्ट एंड दिस इज ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स ये 1861 का एक्ट है ये 1909 है ये नाइनटीन है ऑप्शन में है अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब आएगा बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड लजिस्लेटिव डिवोल्यूशन डाई आर की कब इंट्रोड्यूस हुआ था और मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे तो सी ये हमें पता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और एक होते हैं चेम्स फॉर्ड रिफॉर्म तो चेम्स फॉर्ड होता है उन्नीस उन्नीस मॉरले मिटो होता है उन्नीस सौ नौ तो ये जो फिफ्थ है ये कनेक्ट होगा दिस सी से मतलब ये दो ही करेक्ट हो सकते हैं बाकी दोनों ऑप्शन बोगज है एलिमिनेट ठीक है तो अब इन दोनों में से हमें बताना है करेक्ट क्या होगा बी और सी में से नाउ देन 1858 का एक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सी 1857 के जस्ट बाद का ये एक्ट है तो यहाँ पे पोजीशन चेंज होगी रिशफल होगा पोस्ट चेंज होगी तो 1858 के जस्ट बाद ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ जाएंगे एस ओ एस तो ये लॉजिकल लग रहा है 1858 के बाद ही ये नया पोजीशन बनना चाहिए तो अगर ए को हम टू से कनेक्ट करें तो बी शुड बी द राइट आंसर सी दिस इज द ट्रिक ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ आई डू नॉट नो ऑल द ऑप्शंस भी इसको ट्राई करना चाहिए कोशिश करना चाहिए एलिमिनेट करने का हमको केवल दो चीजें पता थी फिफ्थ का होगा दिस नाइनटीन और लॉजिक के हिसाब से एटीन के सेवन के जज्बा रिवोल्ट हुआ है शफल हुआ है न्यू पोस्ट क्रिएट हुई है एटीन रिवोल्ट तो वो होगा दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ए को हमने कनेक्ट किया टू से और दिस सी को फाइव से तो बी पे हमारा आंसर आ गया एंड सी द राइट आंसर इज दिस बी बाकी जो ऑप्शंस हैं 1861 है यहाँ पे बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिवोल्यूशन सी अभी हमने देखा अपॉइंट हुए दिस नॉन ऑफिशियल मेंबर एग्जीक्यूटिव में 1861 में एक और नया चीज़ आएगा वो आएगा दिस पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो होता है ना जैसे गृह मंत्रालय होम मिनिस्टर है या फिर डिफेंस मिनिस्टर है इसकी शुरुआत यहाँ पे होगी देन दिस इज फाइव और जो डी है दैट इज़ फोर मतलब डायार की इन प्रोविंस उन्नीस उन्नीस जेम्सपोर्ड रिफॉर्म बट ये जो होगा सिस्टम एक्सपेरिमेंट ये फ्लॉप शो होगा सो दिस इज नंबर टू आंसर इज बी ये कोट है ये कोट अक्सर आई कीप ऑन से जो ऐसे कोट्स होते हैं ना ये अगर आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ा है ना तो ऐसे सवाल बहुत ईजी हो जाते हैं जैसे एनसीआर में भी लिखा है द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेज इन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज एट द मोस्ट क्वाजी फेडरल मतलब हाफ है कंप्लीटली फेडरल नहीं है फेडरल भी है यूनियन भी है ऑलमोस्ट रिवॉल्यूशनरी इन कैरेक्टर यूनिटरी स्टेट है जो सब्सिडियरी फेडरल फीचर भी रखता है फेडरल so, अब ये एक्सपर्ट हैं इनका नाम क्या है सो द राइट आंसर इज दिस सी राइट आंसर इज सी दैट इज के सी वेरे नाउ दिस इज फोर्थ वन विच ऑफ द फॉलोविंग लेजिस्लेचर दोज सी टू मोडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑर्डिनरी लजिस्लेटिव प्रोसेस दो होता है आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट में कुछ अमेंडमेंट होते हैं जो थ्री सिक्सटी एट के थ्रू होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कुछ होते हैं जो थ्री सिक्सटी एट के साथ ही साथ फोर्टीन स्टेट्स हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए वहाँ पर बट जो कुछ अमेंडमेंट होते हैं वो थ्री सिक्सटी एट के बाहर होते हैं ऑर्डिनरी लजिस्लेटिव प्रोसेस से भी आप उसको अमेंड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल चेंजेज मेड इन द नेम एंड बाउंड्री ऑफ अ स्टेट कोई भी स्टेट है उसका नाम उसकी बाउंड्री ऑल्टर कर देते हैं अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट सारे स्टेट्स में तो एल है नहीं अबॉलिशन और क्रिएशन अगर करना है तो वो ऑर्डिनरी लजिस्लेटिव प्रोसेस से हो जाएगा स्पेशल समथिंग नहीं चाहिए क्रिएशन ऑफ लजिस्लेचर इन द यूनियन टेरीटोरी यूनियन टेरीटोरी अभी कहाँ पर है दिल्ली में है और दिस पुडुचेरी में है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट तो ये जो कुछ चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है ये जो चीजें अगर हमने लाया है तो ये जो चीजें होती है ये ऑर्डिनरी से हो जाती है सो द राइट आंसर इज दिस डी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ये सारे काम किए जा सकते हैं दिस इज फिफ्थ वन ये होता है एक प्रोविजन होता है ये बहुत सारी फिलोसफीज होती है कॉन्सेप्ट होते हैं डॉक्ट्राइन होता है इनका एक लिस्ट है आई वुड शेयर इट लेटर ये सारा एक लिस्ट फॉर्म में है इफ एनी प्रोविजन ऑफ एन एक्ट विच इज़ कॉन्ट्ररी टू अ फंडामेंटल राइट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एफ आर है एफ आर के अगेंस्ट वो चीज़ जा रही है ओनली द ऑफेंडिंग प्रोविजन वुड बी डिक्लेयर वॉइड एंड नॉट द होल एक्ट तो जो चीज़ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रही है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं डॉक्टराइन ऑफ एक्लिप्स डॉक्टराइन ऑफ दिस सीवेरेबिलिटी दिस डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन या डॉक्टराइन ऑफ लिबरल इंटरप्रटेशन तो जो इसका आंसर है दैट इज दिस बी बी मीन्स दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी मतलब यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फीचर्स हैं उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा प्रोविजन वुड बी डिक्लेयर वाइड नॉट द होल एक्ट यहां पे क्लैशेज होगा अगर फंडामेंटल राइट से सो दिस इज बी अब ये है हिस्ट्री हिस्ट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज नंबर सिक्स ये बोलता है सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें स्टेटमेंट वन है अबॉलिशन ऑफ द डाईआर की अभी हमने देखा था डाय आर् आया था 1919 प्रोविंसेस में अबोलिशन ऑफ द डाय इन द गवर्नर्स प्रोविंस पावर ऑफ द गवर्नर अबोलिशन ऑफ द डायरकी गवर्नर्स प्रोविंस पावर ऑफ द गवर्नर ये मेन फीचर्स है नाइनटीन के पावर ऑफ़ द गवर्नर टू वीटो लजिसलेट ऑन देअर ओन ये स्टेटमेंट यहीं पर ओवर हो रहा है दिस अबोलिशन ऑफ द डायर की प्रोविंस में देन पावर ऑफ द गवर्नर टू वीटो लेजि ऑन देअर ओन गवर्नर वीटो पावर कर सकते हैं अबोलिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्यूनल रिप्रेजेंटेशन नाउ ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये एंड तक इनकी पॉलिसी रहती है डिवाइड एंड रूल तो वो कॉम्यूनल रिप्रेजेंटेशन को तो कभी एंड करेंगे नहीं सो द राइट आंसर इज अगर हम थ्री हटा देंगे तो ए और सी में उसे हो सकता है ऑप्शन ए एंड सी दिस इज ट्रू ए तो ट्रू है ए में भी है सी में भी है स्टेटमेंट वन इज ट्रू जो सेकेंड ऑप्शन है कि पावर ऑफ द गवर्नर टू वीटो लजिस्लेशन वीटो कर सकते थे लजिस्लेशन को दिस इज ऑल्सो ट्रू सो द राइट आंसर इज दिस सी वन एंड टू ये कॉम्यूनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये आखिर तक ब्रिटिश कॉन्टिन्यू करेंगे Now, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज में तो कंसिडर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और ऑर्गेनाइज किया था सिविल सर्विसेज इन इंडिया सिविल सर्विसेज इन इंडिया लॉर्ड लिटिन अलाउड इंडियंस टू टेकअप सम कोवनटेड कोवनेंट पोस्ट इन सिविल सर्विसेस अब इसमें ये जो सेकंड है ना ये करेक्ट है ऑल दो लॉर्ड लिटन ने जो एज किया था अपर एज वो 19 ईयर कर दिया था बट कुछ जो पोस्ट होती थी वो उसने इंडियंस के लिए भी ओपन किया था तो दिस इज ट्रू बट ये फर्स्ट गलत है दिस इज नॉट लॉर्ड वेलेसली दिस इज कॉन सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट सो करेक्ट स्टेटमेंट होगा दिस टू ऑनली नाउ ये क्वेश्चन नंबर एट है इस टाइप के सवाल बहुत कॉमन है जो एंशंट इंडिया में बुक्स हैं ऑथर्स हैं समटाइम्स बैट न्यूज़पेपर डिस्कशन में पी डी एफ है कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स एंड बुक्स मैंने शेयर किया था हैव थावालोक ये वराह मिर है रिटर्न बाय वराह महिर तो ये पंच सिद्धांतिका है वॉट इज दिस पंच सिद्धांतिका इट इज इज इट अ बुक ऑन मैथमेटिक्स इज इट अ बुक ऑन साइंस एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है जैसे भविष्य बताना वगैरह एस्ट्रोनॉमी होता है मतलब दिस तारे सितारे ये जो तारामंडल है दिस स्पेस दिस इज एस्ट्रोनॉमी सो द राइट आंसर इज दिस डी पंच सिद्धांतिका इज अबाउट दिस डी एस्ट्रोनॉमी ये सवाल है परमानेंट सेटलमेंट का कल हमने पढ़ा था महलवारी महलवारी में जो हेडमैन होता था विलेज होता था विलेज मिलके एक महल होता था और वो डील करते थे ब्रिटिशर्स से तो इन अ वे इसको कहा नहीं जाना चाहिए कि इसमें इंटरमीडियरी था अनलाइक दिस जमींदारी जमींदारी में परमानेंट सेटलमेंट में ये इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल एंड बिहार में बाय लॉर्ड कॉन इन 1793। अब कंसीडर करें फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट और करेक्ट वन बताना है तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है जमींदार और रेवेन्यू कलेक्टर जो होते थे रेवेन्यू कलेक्टर दिस जमींदार एंड रेवेन्यू कलेक्टर ये बन गए फिर लैंड ओवर द दिस ओवरनाइट ये लैंड में कन्वर्ट हो गए जब ये परमानेंट सेटलमेंट आया राइट right ऑफ जो ऑनरशिप था इसमें मतलब उसका ऑनर कौन होगा दिस जमींदार जो ये लैंडलॉर्ड्स बने थे तो ये जो राइट ऑफ ऑनरशिप था ये सब्जेक्टिव होता था हेरिडिटरी नहीं होता था ये जो जमींदार थे ये एक काइंड ऑफ मिडल बन गए थे ये फार्मर से लेते थे वसूली करते थे और फिर दिस सरकार को पास ऑन करते थे तो ये मिडल बन गए तो जमींदार टेन बाई अलेवन ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन खुद रखते थे और बाकी ब्रिटिशर्स को दे देते थे, थे। देन जमेदार वर फ्री टू फिक्स द रेंट जमेदार फ्री थे जो भी रेंट उनको रखना है वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एंड soil एंड अदर फ्री टू फिक्स द रेंट अब इसमें जो स्टेटमेंट नंबर थ्री है ये तो लॉजिकली गलत है ये टेन बाय अलेवन जमेदार खुद रख रहे हैं और वन बाय अलेवन ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं नो no. ये एट्टी नाइन परसेंट जो होता था पास करते थे बाकी ये खुद रखते थे सो दिस इज रॉन्ग तो मतलब बी इज़ गॉन एंड डी इज गॉन अब ऑप्शन ए और सी बचे हमारे पास वन यहां पर है यहां पर भी है ए में भी है सी में भी है तो दिस हैज़ टू बी राइट अब टू और फोर में से हमें बताना है यहां लिखा है नॉट हेरिडिटरी सो दिस इज रॉन्ग ये जो पोजिशन होती थी ये हेरिडिटरी होती थी सो द राइट आंसर इज दिस सी सी मीन्स वन एंड फोर जमींदार एंड रेवेन्यू कलेक्टर लैंडलॉर्ड बन गए और जमींदार एबल टू फिक्स द रेंट सो द राइट आंसर इज दिस सी वन एंड फोर अब यहां लिखा है विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैं जो मैच्ड नहीं है करेक्टली फर्स्ट है अबोलिशन ऑफ सती दिस अबोलिशन ऑफ सती ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था अबोलिशन ऑफ स्लेवरी लॉर्ड एलन बोरो इज इट ट्रू फर्स्ट रेलवे लाइन जो थी कहाँ से कहाँ पे हुई थी फर्स्ट रेलवे लाइन और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे था स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था क्यों हुआ था बंगाल डिवीजन ये लॉर्ड मिंटो टू के टाइम पे हुआ था टाइम पे हुआ था टेन्योर में सो द राइट आंसर इज दिस सी दिस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे नॉट मैच लिखा है ये लॉर्ड कैनिंग नहीं है ये है डल हाउजी लॉर्ड डल हाउजी लॉर्ड डल हाउजी के टाइम पे काफी ज़्यादा वर्क हुआ है इंडिया में लॉर्ड डल हाउजी स्वदेशी इज राइट एरन बोरो आई थिंक फोर्टी थ्री एटीन फोर्टी थ्री ये भी राइट right है अबॉल्यूशन ऑफ स्लेवरी सो दिस इज सी सी इज द राइट आंसर नॉट मैच्ड है यहाँ पे तो so ये दस हो गए हिस्ट्री के टॉक अबाउट जोग्राफी अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लक्षद्वीप आइलैंड्स इज आर करेक्ट ये हमने पढ़ा था लैटिट्यूड होते हैं और ये होते हैं लॉन्जीट्यूड ये ऊपर ऐसे कन्वर्ज हो जाते हैं लॉन्जीट्यूड तो दीज आइलैंड्स आर डिवाइडेड बाय 11 डिग्री चैनल ऐसे डिग्री होता है इंडिया यहाँ से 8 डिग्री से स्टार्ट होता है तकरीबन और 37 डिग्री तक ऊपर जाएगा यहाँ से 67 डिग्री ईस्ट से ये तकरीबन 97 डिग्री ईस्ट तक जाएगा तो ऐसे 11 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो डिवाइड करता है लक्षद्वीप को ट्रू और फॉल्स एंटायर आइलैंड ग्रुप है बिल्ट है वॉल्कैनिक डिपॉजिट्स पे मिनी कॉय यहाँ का बिगेस्ट आइलैंड है अब ये हमें पता है अंडमान एंड निकोबार वॉलकैनिक है और लक्षद्वीप है ये कोरल है तो टू इज रॉन्ग दिस इज गॉन दिस इज गॉन वन इधर भी है वन इधर भी है दिस इज ट्रू मिनी कॉय यहाँ का लार्जेस्ट आइलैंड है सो द आंसर इज दिस सी नाउ दिस इज ट्वेल्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकार्ड रिगार्डिंग डेंड्रिटिक पैटर्न ऑफ ड्रेनेज रिवर्स जो होती हैं इनका ऐसे पहले छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती है रिवुलेट्स होते हैं फिर इसके बाद ये फिर एक बड़ी रिवर बनती है तो डेंड्रेटिक पैटर्न मतलब इसमें ट्रिब्यूटरीज भी मिल रही हैं बहुत सारी वो किस पैटर्न में मिल रही हैं ये अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न होता है अगेन एन सी आर टी क्लास इलेवन ड्रेनेज चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर डेंड्रेटिक पैटर्न ऑफ ड्रेनेज ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबल करता है ब्रांचेज ऑफ अ ट्री नोन एज डेनरेटिक जैसे डेंडरिटिक ट्री की ब्रांचेस आड़ी टेढ़ी होती है कहीं से कुछ भी मिल रहा है सो दैट इज डेनरेटिक पैटर्न रिवर्स जो ओरिजिनेट होती है अमरकंटक में ये गुड एग्जाम्पल देती है डेनरेटिक का नो दिस इज रॉन्ग अमरकंटक मतलब ये एक हाइट है हाइट से इस तरीके से रिवर आगे जा रही है तो ये डेंडरेटिक नहीं होगा दिस इज काइंड ऑफ दिस रेडियल पैटर्न डेंडरेटिक पैटर्न होता है जैसे हिमालयाज में काफी ज्यादा डेंडरेटिक पैटर्न हमें दिखता है छोटी छोटी रिवर्स इधर उधर से आके मिल रही हैं बट दिस इज नॉट डेंटिक तो द राइट आंसर इज दिस ए अमरकंटक से तीन रिवर निकलती है एक का नाम है नर्मदा बाकी दो रिवर्स के नाम बताइए अमरकंटक रेंज से यहाँ सेम स्पॉट से सो दिस इज ए वन ओनली इज द राइट आंसर ये है वाइड ट्रीलेस ग्रासी प्लेन् साउथ अमेरिका में ये ग्रासलैंड्स होते हैं बेसिकली ये ग्रासलैंड्स सारे कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं और जो साउथ अमेरिका के जो ग्रासलैंड्स हैं ग्रासी प्लेन्स हैं उनका क्या नाम है सेल्वास तो होगा नहीं ये होते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट तो ग्रासलैंड्स तो हैं नहीं ये ट्रीलेस ग्रासी प्लेन्स नहीं है पैम्पास प्रायरी स्टेपे स्टेपे हमें पता है कहाँ पे होता है यूरोप में होता है प्रायरी कहाँ पे होता है नॉर्थ अमेरिका में होता है तो बचा पैम्पास तो पैम्पास इसका राइट आंसर होगा द आंसर इज दिस बी नाउ ये इंपॉर्टेंट है द टर्म लॉन्जीट्यूड एंड लैटिट्यूड फर्स्ट यूज बाय अभी हमने देखा था लॉन्जिट्यूड्स दिस इज लैटिट्यूड्स तो पहली दफा इसको किन्ों यूज किया था तो द राइट आंसर इज दिस दिस ये मैथमेटिशियन थे पर ये जोग्राफी में भी बहुत बड़ा नाम है बेसिकली ही वॉज अ पॉलीमैथ इसका मीनिंग देखना पॉलीमैथ मतलब ही वॉज बहुत सारे फील्ड में ही वॉज एन एक्सपर्ट ही वॉज अ पॉलीमैथ तो दिस इज स्थिन अब ये आइलैंड्स हैं गैला आइलैंड्स ये बहुत ज्यादा न्यूज में होते हैं गैला आइलैंड यहाँ पे दिस डाइवर्सिटी बहुत यूनिक है यूनिक स्पीशीज मिलती है जैसे मेडागास्कर आइलैंड में यूनिक स्पीशीज मिलती है एंडेमिक स्पीशीज ऐसे यहाँ पे भी मिलती है तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है पैसिफिक में है पैसिफिक मतलब दिस अमेरिका देन पैसिफिक और दिस इज पैसिफिक ओके इधर पैसेफिक पैसिफिक बिगेस्ट ओशियन तो पैसिफिक ओशियन में है और एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोविंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है ये एक्टिवली वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं और इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा है तो वॉट इज द करेक्ट इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों में से सो द राइट आंसर इज दिस बी ये करेक्ट है वॉलैनिक आइलैंड हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये यूएसए नहीं है ये इक्वेडोर के अंदर आते हैं सो द राइट आंसर इज दिस बी ये अब आते हैं इकोनॉमिक्स में आवर फेवरेट सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल डेफिसिट आज सुबह ही हमने पढ़ा न्यूज पेपर में फिजिकल डेफिसिट के बारे में एट्टी परसेंट ब्रीच हो रहा है हमारा देन फिजिकल डेफिसिट के लिए हमने आज न्यूज पेपर में बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा फिजकल दिस काउंसिल के बारे में एक्स दिस आर बी आई बहुत अच्छा इन्होंने आर्टिकल लिखा फोर्टीन फाइनेंस कमीशन मेंबर बहुत अच्छा आर्टिकल है फिजिकल डेफिसिट पे फिजिकल काउंसिल पे नाउ ये होता है टोटल डेट एक्यूमेलेटेड ओवर ईयर्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग डेफिसिट स्पेंडिंग डेफिसिट मतलब होता है आमदनी और खर्चे का डिफरेंस तो हर साल आप में कुछ उधार ले रहे हो उधार ले रहे हो उधार ले रहे हो तो ये अक्यूमलेट होता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है ना बिकॉज खर्चे ज़्यादा करते हैं और काम कमाते कम है तो टोटल डेट अक्यूमलेटेड ओवर ईयर्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग टोटल उधार ये यूनिवर्सलिटी जो होता है ये नेगेटिव इवेंट माना जाता है बैड फॉर द इकोनॉमी डेफिसिट जो होता है हमें बताया भी जाता है उधार इज नॉट गुड सो नेगेटिव इवेंट जो होता है ये माना जाता है यूनिवर्सली अब इसका राइट right आंसर होगा दिस डी मतलब कि ये भी गलत है ये भी गलत है यहां पूछा था करेक्ट ये गलत क्यों है बिकॉज एक्यूमुलेट जो हो रहा है ना उसको फिजिकल डेफिसिट नहीं बोलते उसको फिजिकल डेट बोलते हैं डी बी टी फिजिकल डेट डेफिसिट जो होता है वो साल भर का होता है यूनिवर्सली रिगार्डेड नेगेटिव नहीं होता है अगर अपन डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हैं मतलब इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं तो यूनिवर्सली रॉन्ग नहीं है इसके पॉजिटिव्स भी होते हैं सारी सरकार डेफिसिट में चलती है सो दिस इज़ डी ये है बाबा कल्याणी कमेटी अभी ये काफ़ी न्यूज़ में थी दो में आई थी ये बाबा कल्याणी कमेटी इसकी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी में है एम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है एम की अभी हमने डेफिनेशन भी चेंज कर दी है लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एम एस एम ई लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए हैं बिकॉज सरकार डिसइनवेस्टमेंट कर रही है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिव्यू अभी एन ई पी भी आई थी तो बाबा कल्याणी कमिटी इज एसोसिएटेड विथ दिस ए एस ए जी जो होता है यहाँ पर स्पेशल इंसेंटिव मिलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक एक्सपोर्ट में हम प्रमोशन करते हैं तो डब्ल्यू टी ओ और यू एस ए इस टाइप के हैं ये इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो बाबा कल्याणी कमेटी का पर्पज़ था इसको एक बार फिर से इवेलुएट करना इस पूरी पॉलिसी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी का ये है फैंटम कैपिटल अब इसका मीनिंग आपको नहीं पता है ना तो तुरंत हिंदी में देखना है ये ट्रिक है फैंटम कैपिटल तुरंत हिंदी में देखेंगे तो फैंटम का मतलब होता है जो मतलब घोस्ट है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दैट इज लाइक अ घोस्ट जैसे स्नो लेपर्ड है उसको फैंटम बोलते हैं हिमालय का बिकॉज वो दिखता नहीं है फैंटम कैपिटल रिसेंटली न्यूज़ है इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एल ए सी जो है इसको भी हमने अभी आर्टिकल में फैंटम पढ़ा था बिकॉज ऑन ग्राउंड ये एल ए सी डिमार्केटेड नहीं है प्रॉपरली चाइना के साथ तो फैंटम कैपिटल क्या होगा मतलब घोस्ट है नॉट रियल है मतलब ये फेक करेंसी नोट्स हैं रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक तो दैट इज फैंटम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी दैट इज़ फैंटम एफ डी आई के टर्म पे ये हम यूज़ करते हैं सो द राइट आंसर इज दिस डी एफ हम प्रमोट करते हैं बट कई बार क्या होता है एफ में जो लूपोल्स होते हैं इंजीनियरिंग किया जाता है टेक्निकल फ्लॉज निकाले जाते हैं जो लिमिटेशंस होती है लॉस का एक्सप्लाइटेशन होता है तो री रूट होती है एफ से मॉरिशस से या फिर यहाँ से तो पता नहीं चलता है कि उसका सोर्स क्या है एंड ऑल सो वो फैंटम कैपिटल बन जाती है एक्चुअली में पता नहीं है वो कैपिटल आ तो रही है बट वो कहाँ से आ रही है सो दैट इज़ फैंटम कैपिटल ये आते हैं टीजर लोन ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है आरबीआई को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था टीजर लोन समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इसका मतलब क्या है लोन्स प्रोवाइडेड टू हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल ये काफ़ी रिच पीपल होते हैं उनको अगर हम लोन्स देते हैं तो वो हाई नेट वर्थ होते हैं यूजली ये काफ़ी ज़्यादा डिफॉल्ट भी करते हैं लोन्स प्रोवाइडेड टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद इंटरेस्ट रेट बिलो द रेपो रेट दिस वेलफेयर रेपो रेट के नीचे लोन प्रोवाइडेड है लोन्स विथ चार्ज लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर विच द रेट्स आर इंक्रीज सो द राइट आंसर इज दिस सी ऑलरेडी मैं राइट आंसर इज दिस सी सी इज दिस लोन्स विद चार्ज लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर विच द रेट्स आर इंक्रीज इन टीजर लोन में क्या होता है एस बी आई ऐसा प्लान कर रही थी कि शुरू में तो लोन रेट कम है फिर बाद में उसको इंक्रीज कर दिया जाता है सो द राइट आंसर इज दिस सी ये फॉलोइंग स्टेटमेंट है एक टर्म बहुत न्यूज़ में है दैट इज अबाउट दिस मसाला बॉन्ड मसाला बॉन्ड्स मसाला बॉन्ड्स जैसे इंडियन मसाला स्पाइसेस काफ़ी न्यूज़ में बॉन्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए बॉन्ड का मतलब होता है कि मैं मार्केट से कुछ बोरो कर रहा हूँ फंड रेज कर रहा हूँ तो वो होगा बॉन्ड मैंने रेज किया है तो ये मैंने यहाँ पे दिस बॉन्ड के थ्रू मनी रेज किया है अब अक्सर ऐसे टर्म आते हैं मसाला बौन, ग्रीन बॉन्स एट्सट्रा ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे सर्टेन टाइप ऑफ दिस इन के लिए मैंने ये बॉन्ड रेज किए हैं तो ऐसे ही एक होता है मसाला ये मसाला होते हैं ये इशू होते हैं डायरेक्टली इंडियन रूपी में ये एक टाइप ऑफ होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोविंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोंग मतलब जैसे हमारे यहाँ कॉर्पोरेट से नॉल है इनको पैसा रेज़ करना है तो ये बाहर के किसी फंड रेजर से पैसे ले सकते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरो कर सकते हैं तो ये बोरो कर सकते हैं पैसे बाहर से तो जो मसाला बॉन्ड है वो एक टाइप ऑफ ई होता है क्योंकि बाहर जैसे देखें ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है जैसे यू में एक फिजिकल टैपरिंग जब यू में रेसेशन टाइप सिचुएशन आया था टू थाउजेंड में तो ईजी कर दिया था इन्होंने दिस मोनी पॉलिसी बहुत आसानी लोन मिल रहा था तो लोगों ने क्या किया वहाँ के बैंक से पैसे लेते थे कम इंटरेस्ट रेट में दो या तीन पे और इंडिया में फिर उसको इन्वेस्ट कर देते थे, थे। बिकॉज यह इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थी बॉनिल ज़्यादा थी तो ये एक टाइप ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोंग है बाय इश्यूएंस ऑफ मसाला बॉन्ड्स एक्सचेंज रिस्क इज ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर तो एक होता है बोरोवर एक होता है इन्वेस्टर तो इसमें जो एक्सचेंज का रिस्क है जैसे रुपया साठ है कल सत्तर हो गया तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कौन ब किसके ऊपर आएगा ये रिस्क आएगा इन्वेस्टर मतलब जिसने मसाला बॉन्ड में पैसे लगाए तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज दिस डी दिस इज डी ये तीनों करेक्ट है इंडियन रूपी में होता है टाइप ऑफ ई सी है और जो रिस्क है वो इन्वेस्टर में होती है बोरोवर पे नहीं बोरोवर मतलब जो उधार लिया है बॉन्ड इशू किया है इन्वेस्टर मतलब जिसने वो बॉन्ड खरीदे हैं पैसा लगाया है सो वन टू एंड थ्री ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था ये दिस आर कन्वेंशन ये भी हमने न्यूज़पेपर में अच्छे से देखा था ये इसका एक आर्टिकल आया था सो इट इज़ एन एनवायरमेंटल अग्रीमेंट विच लिंक्स एनवायरमेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स एनवायरमेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स ये इस्टेब्लिश करता है नंबर ऑफ राइट्स ऑफ द पब्लिक इंडिविजुअल एंड देयर एसोसिएशन विद रिगार्ड टू एनवायरमेंट तो दिस इज समथिंग लाइक एनवायरमेंटल इकोलॉजी समथिंग तो ये कन्वेंशन में करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे ये जो आर एस कन्वेंशन था ना ये हमने पढ़ा था दिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी की जो ड्राफ्ट गाइडलाइन है ग्यारह अगस्त इसका डेडलाइन था एनवा दिस पैनल भी बना था पार्लियामेंट्री का डिस्कशन में आरोप ये थे कि इन्होंने डायल्यूट कर दिया है ई आई ए टू थाउजेंड सिक्स को तो वहाँ ये टर्म यूज़ हुआ था आर एस कन्वेंशन तो ये दोनों करेक्ट हैं दिस इज ऑल्सो राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बहुत न्यूज़ में है ये भी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इसमें क्या होता है अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर पब्लिशिंग एनी फेयर कमेंट ऑन द मेरिट ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ काम कर रही है डिसीजन ले रही है उसमें आप अननेसेसरी उसको स्कैंडलाइज कर रहे हो डिमीन कर रहे हो तो वहाँ पर कंटेम्प्ट आ जाएगा हाई कोर्ट भी ये ले सकती है एक्शन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ सब कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के पास भी ये कंटेम्प्ट का पावर है यहाँ आई थिंक दिस 129 में है और हाई कोर्ट का हाई कोर्ट इज आई थिंक 215 वन फाइव कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू वन फाइव इज हाई कोर्ट एंड वन टू नाइन इज फॉर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है वो केवल बी है यहाँ एक वर्ड लिखा है दिस एनी एनी के लिए नहीं होता है ये अगर वो फेयर क्रिटिसिज्म है मेरिट बेस्ड है जेनुन रिपोर्टिंग हुई है पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है तो वो कंटेम्प्ट के अंदर नहीं आएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका मैं अभी एक सेपरेट वीडियो बना के आई एल एक्सप्लेन दिस इन फर्दर कंटेम्प्ट ऑफ सेवेंटी वन नाउ ये ट्रैकिया अभी काफ़ी न्यूज़ में था रिसेंटली ये एक यूनिक बारकोडिंग सॉफ्टवेयर है टू एंश्योर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अक्सर हम देखते हैं सीबीआई के पास केस जाता है बट वो जो रिपोर्ट्स हैं एविडेंस है डेटा है, है वो सारा डैमेज हो जाता है फॉरेंसिक डैमेज हो जाता है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो ये एक यूनिक बारकोडिंग सॉफ्टवेयर होगा टू एंश्योर दैट फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आर नॉट टेम्पर्ड नहीं है कर्नाटका पुलिस फोर्स पहली है टू इंट्रोड्यूस इट इन द कंट्री कर्नाटका बेंगलुरु वैसे भी आईटी सॉफ्टवेयर हब है तो वो फर्स्ट है टू इंट्रोड्यूस इट इन द कंट्री सो द राइट आंसर इज दिस ए ये कर्नाटका नहीं है ये है हरियाणा हरियाणा यहाँ पे फर्स्ट है टू इंट्रोड्यूज इट इन द कंट्री ये ट्वेंटी फोर्थ है ये इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं ये असोशिएटेड रिवर है अभी हमने आर्टिकल टू सिक्सटी टू देखा था सतलज यमुना लिंक कैनाल से एसोशिएटेड पोलावरम न्यूज़ में आता है कावेरी न्यूज़ में बना रहता है देन गोवा मांडोवी भी न्यूज़ में तो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं और डिस्प्यूट्स भी होते हैं और इनमें बताना है कि किस रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है जैसे पोलावरम में भी अभी कुछ सवाल उठे थे तो पोलावरम क्या गोदावरी पे दिस इज गोसी खुर्द इरीगेशन प्रोजेक्ट ये वेनगंगा पे है वैनगंगा कहाँ पर है देन दिस इज शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट ये रावी रिवर पे है तो इसमें तीनों करेक्ट है डी इज द राइट आंसर ये रावी रिवर है वैन गंगा महाराष्ट्र गोदावरी ये तीनों करेक्ट है ये लास्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट दिस जीनोम सीक्वेंसिंग आई एल इंक्लूड मोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन इन करंट अफेयर्स सून ये अभी काफ़ी न्यूज में था जीनोम सीक्वेंसिंग सी जीनोम क्या होता है डीएनए होता है सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन अ सेल हमारी जो बॉडी बनी है वो किस में होता है डिस डीएनए होता है डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड साइटोजाइन थायमाइन ग्वानाइन ये सारे यहाँ पे डीएनए होते हैं तो इनका अगर हमने पूरा सीक्वेंसिंग कर लिया बॉडी के सारे दिस चीज का अरेंज कर लिया तो हम सारी चीज़ें पता लगा लेंगे तो जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं टू आइडेंटिफाई गेट अ फेयर नॉलेज ऑन सर्टेन थिंग्स तो जीनोम इज द डी एन ए सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन अ सेल इंडी जीन प्रोजेक्ट है इंडीजेन सीक्वेंस होल जीनोम का होगा डाइवर्स एथनिक इंडियन पॉपुलेशन का टू डेवलप पब्लिक हेल्थ एप्लीकेशन ये कोविड नाइन्टीन के बैकड्रॉप में ये चीज़ पे था कि हम इंडी प्रोजेक्ट करेंगे जीनोम सिक्वेंसिंग करेंगे एथनिक इंडियन पॉपुलेशन का कि इधर इम्पैक्ट कितना आ रहा है दिस वायरस एंड ऑल का सो द राइट आंसर इज दिस सी ये दोनों एब्सोल्युटली right right right. तो राइट है ये रिवर नेशनल इरीगेशन प्रोजेक्ट एसोसिएटेड रिवर है ये ट्रैकिया है हरियाणा है ये कोर्ट है दिस इज अबाउट आरह कन्वेंशन और ये था आपका मसाला बोन्स। दिस इज अबाउट टीजर लोन टीजर लोन ये था फैंटम कैपिटल ये बाबा कल्याणी रिपोर्ट ये है फिजकल डेफिसिट और ये है दिस गला पैगोज आइलैंड देन ये है लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड पहली बार टर्म किसने यूज़ किया था ये है साउथ अमेरिका सेल्वास पैम्पस प्रायरी एंड स्टेपे ये है डेनरेटिक पैटर्न बाकी दो रिवर्स के नाम ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये है करेक्ट मैच नहीं है इनमें से और दिस इज़ अबाउट बंगाल बिहार लॉर्ड कॉन वॉलिस परमानेंट सेटलमेंट ये वराह मिहिर है दिस इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज दिस इज़ सम मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन और ये फंडामेंटल राइट्स अनकॉन्स्टिट्यूशन और ये क्वाजी फेडरल एंड दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ दिस सिवरबिलिटी ये है अबाउट ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ये है केसी वेरे या मैच फॉलोइंग है दिस इज अबाउट 1861 काउंसिल एक्ट सो दिस इज सेट 13 ट्वेंटी ऑफ ऑगस्ट 2020 थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ